देखे सुंदर मामा आई हुई है। ये सुंदर मामा है हमारी, सुंदर मामा, सुंदर मामा, सुंदर मामा। खाना सुंदर मामा के लिए हमने डाला था, लेकिन वो मिनी और मुन्नी आई थी, वो खा के चली गई है। और अब जो सुंदर मामा है वो मुझे लग रहा है कि नाराज़ हो गई हैं, और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा खाना मौजूद नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे भाई ने मेरे लिए भिजवाए थे चेरी और टमाटर की पनीरी भिजवाई थी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, ये भी है, और ये देखें ये किस कदर खूबसूरत है। और ये देखें सुंदर मामा, सुंदर मामा, सुंदर मामा बहुत मुझे प्यारी लगती हैं। और इनका एक छोटा सा बच्चा भी था, और वो बेचारा बीमार होके नहीं रहा, लेकिन अब सुंदर मामा के पास एक और बड़ा प्यारा बच्चा है। और लेकिन वो अभी हमारे घर नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया कि हमारे पास बहुत सारी कैट्स आती हैं खाना खाने के लिए, तो सुंदर मामा उन सारों की प्रेजेंस में हमारे घर को अपने बच्चे के लिए सेफ नहीं समझती हैं। लेकिन ये बहुत 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 ही स्वीट है, और बड़ी हिम्मत हौसले वाली मामा है ये, क्योंकि इसने बहुत दुख देखे हैं बेचारी ने। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इसको ज़िंदगी दी हुई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसको बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ इसके लिए कि खुदा इसको ज़िंदगी दे और अपने बच्चे के सर पे कायम रखे। क्योंकि जब से मैंने इसको देखा है तो मैंने देखा है कि ये बेचारी काफ़ी दुखों से गुजरी है। तो अभी मैं इसको खाना देती हूँ, मेरा ख्याल है इसको भूख लगी हुई है। क्योंकि जब सारे आते हैं तो सुंदर मामा भी, सुंदर मामा, तो सुंदर मामा जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो सुंदर मामा जो है ना वो उनसे लड़ाई करना शुरू कर देती हैं, और फिर लड़ाई करते रहते हैं सभी, और खाना जो है वो कोई भी नहीं खाता, और लड़ाई लड़ाई के बाद फिर पता नहीं कौन पहले आ जाता है और कौन खाना खा जाता है। ये पता नहीं, मेरा ख्याल है मैंने सुना हुआ है कि जब जानवर बीमार होते हैं ना तो अपनी मनपसंद कोई चीज़ जो ऐसे खा लेते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के सुंदर मामा को इतनी भूख लगी होगी, लेकिन तब भी मैं अभी डलवाती हूँ और खाना लेके आती हूँ अंदर से, और फिर मैं इनको खिलाती हूँ। सुंदर मामा, ओ मिली सुंदर मामा, ये देखे प्यार करती है और घूम घूम के जाती है। बहुत प्यारा बच्चा है ये, तो बहुत अच्छी लगती है ये। इसका बच्चा अभी तक हमारे घर नहीं आया, और वो जिस दिन आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो गमलों में हमारे लगे हुए पौधे हैं, ये देखिए ये पौधा छोटा है, और लेकिन इस पर छोटी छोटी कलियाँ लगी हुई हैं। और ये मैंने इसी साल लगवाया जो लास्ट ईयर के जितना मुदिया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे पौधे साथ साथ करके लगा लिए हैं, तो वो चक्कर ये होता है कि फिर वो ठीक से बढ़ते नहीं हैं, उनको खुली जगह चाहिए होती है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस देखती रहती हूँ, तो उसमें वो बताते हैं कि ये जो है ना चौड़े पत्तों वाली मनी प्लांट वो और होती है, और जो ये टू शेडेड होती है ये और होती है, और जो ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन पत्ते जो होते हैं, ये और होती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है, ये एक ही मनी प्लांट है हमारे घर में, इसको मैंने डिफरेंट पौधों के अंदर लगा दिया है। ये देखे प्यार कर रही है मुझे, ये देखे, ये देखे प्यार कर रही है मुझे सुंदर मामा। और ये देखे, ये मैंने ग्रो बैग्स के प्लांट्स लगाए हुए हैं ये, और ये भी जो बेल है, मुझे इसका नाम नहीं आता, अगर आप में से किसी को आता होगा तो आप ज़रूर बताना। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छी खुशबू है। अभी मैं इसको हाथ लगा रही हूँ ना, आप यकीन करें कि बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है और ये बेल की तरह बढ़ती है और बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये गर्मी का, सख्त गर्मी का भी मुकाबला बहुत अच्छे से करती है और बहुत अच्छे से बढ़ती है। ये देखें बहुत खूबसूरत बेल है ये देखें। अब ये देखें, ये इसमें जो इसके साथ मनी प्लांट लगी हुई है, ये एक ही मनी प्लांट है। ये देखें ये ऊपर तक जा रही है, आगे अगले पत्ते जल गए हैं क्योंकि जब गर्मी धूप होती है तो पत्थर गर्म हो जाते हैं, दीवार गर्म हो जाती है तो फिर जाहिर है कि वो चीज़ नहीं रहती है। लेकिन ये जो नीचे है ये देखें, ये बहुत अच्छे से खूबसूरती है, इन पर कलर भी इनका डिफरेंट है। ये भी देखें, ये इधर भी निकल आए हैं तो पत्तों के बीच मैंने डाले हैं, ये शायद उग जाएंगे इसमें और इनकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मुझे, बहुत ही प्यारी है। अब मैं आपको एक एक करके सारे जो है ना अपने पौधे बाद में दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे पौधे। और ये देखें ये जो है ये मेरा करी पत्ता है जी, ये देखें ये करी पत्ता है, इसके बीज देखें करी पत्ते के, ज़रा ये देखें ये करी पत्ते के बीज हैं, इनकी ब्यूटी देखें ज़रा किस कदर खूबसूरत है ये देखें, कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखें। अगर आप घर में चाहे कोई छोटा छोटी सी छोटी जगह पे भी आप बाल्टियों में या छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप पौधे लगा लें तो आप देखेंगे घर में आपको बहुत अच्छा फील आएगा और आपको बहुत सारी जो है ना परेशानियां और प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, क्योंकि गार्डनिंग का एक अपना ही मज़ा है, इससे आप बड़ा फ्रेश रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं और एक नई दुनिया है ये, इसकी अपनी एक स्टोरी है। ये देखें फिर से मैं आपको टमाटो दिखाती हूँ किस कदर प्यारे लग रहे हैं, ये चेरी टमाटो हैं और क्योंकि पिछली दफ़ा जब हमने टमाटो लगाए थे वो बड़े वाले थे, वो चेरी टमाटो नहीं थे। ये देखें जो छोटे छोटे हैं ये भी निकल रहे हैं,